आईपीएल सीजन 12 का 39वां रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया। ये मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 1 रन से जीत लिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए थे। बेंगलोर की तरफ से सबसे ज्यादा रन पार्थिव पटेल ने बनाए। पार्थिव पटेल ने 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से शानदार 53 रन बनाए। इनके बाद मोइन अली ने 5 चौकों की मदद से 26 रन बनाए और बेंगलोर ने चेन्नई को जीत के लिए 162 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 160 रन ही बना सकी और ये मैच 1 रन से हार गई। इस मैच में आखिरी ओवर में चेन्नई को 6 गेंदों में 26 रनों की जरूरत थी। ये मैच लगभग बेंगलोर के हाथों में था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते इस मैच में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। कप्तान विराट कोहली ने आखिरी ओवर उमेश यादव के हाथों में थमा दिया। उमेश की पहली 3 गेंदों पर महेंद्र सिंह धोनी ने 1 चौका और 2 आग उगलते छक्के जड़ दिए। धोनी के पहली 3 गेंदों पर 16 रन जड़ने के बाद आरसीबी के समर्थकों में सन्नाटा सा छा गया और स्टेडियम में बेंगलोर के समर्थकों को रोते हुए भी देखा गया। अब चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 3 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी। धोनी ने 4थी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। अब चेन्नई को 2 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी और उमेश यादव की 5वीं गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने आग उगलता छक्का जड़ दिया। अब आखिर में चेन्नई को 1 गेंद पर 2 रन बनाने थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी से ओवर की आखिरी गेंद मिस हो गई और गेंद पार्थिव पटेल के हाथों में चली गई। जब तक शार्दुल ठाकुर 1 रन पूरा करते, पार्थिव पटेल ने उन्हें रन आउट कर दिया और चेन्नई को इस मैच में सिर्फ 1 रन से हार का सामना करना पड़ा और एक बार फिर से बेंगलोर के समर्थकों में खुशी की लहर सी उमड़ पड़ी। आपको बेंगलोर की ये जीत और महेंद्र सिंह धोनी की ये विस्फोटक बल्लेबाजी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।